उत्तर प्रदेश में रहे पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने एक दिवसीय दौरे पर जनपद सीतापुर पहुंचे, जहां जेल में बंद आजम खान और उसकी पत्नी बेटे से मिलने के लिए सपा के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के मुखिया अखिलेश यादव सीतापुर के जिला कारागार उनसे मिलने के लिए पहुंचे, जहां उनसे मुलाकात की। इस दौरान जनपद के समाजवादी पार्टी के नेतागण भी मौजूद रहे। वहीं अखिलेश यादव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए सूबे की सरकार पर जमकर तीखी टिप्पणी कर उसकी आलोचना की। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही निशाने पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान साहब को लिया। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान साहब के खिलाफ लगातार षड्यंत्र हो रहा है और ये राजनीतिक षड्यंत्र है जिसके तहत उन्हें आज जेल में रहना पड़ रहा है। ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिलकर के साजिश और षड्यंत्र किया है, लेकिन इस तरीके से राजनीति में समय आईडी पकड़ो, किसी से बदले की भावना से काम नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीद करेंगे? इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है उन पर तमाम मुकदमे लगे हैं और संयंत्र के तहत उन्हें फंसाया गया है। 8 मामलों में जमानत मिली है अभी उनको। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में न्यायालय उनकी मदद करेगा, न्यायालय से उन्हें मदद होगी। दिल्ली के दंगों पर स्वच्छता मिशन शुरू।